उनकी हम साखियाँ और शब्द पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कबीर परिचय। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में, यानी कि काशी के पास एक जगह है मगहर, वहाँ हुई थी। भक्तिकालीन निर्गुण संत के प्रमुख कबीर को माना जाता है निर्गुण, यानी कि ये भगवान में विश्वास नहीं करते थे। इनके लिए आत्मा परमात्मा एक थी, ये मानते थे कि कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उनको कहा गया है निर्गुण भक्ति का नियम। कबीर की प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, लेकिन कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में है। बीजक में इनकी संपूर्ण रचनाएं हैं, साखी सबद रमैनी। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी, जो यहाँ बीजक के अलावा जो कुछ रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। तो आगे हम देखते हैं इनके बारे में। कबीर अत्यंत उदार निर्भय और तथा सहगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, कोई समाज की मर्यादाओं को नहीं मानते थे। उन्होंने इन सभी चीजों का खंडन किया है, नष्ट किया है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। अब उनकी साखियां पढ़ते हैं हम। मान सरोवर सुरवर जल, मान सरोवर, मान सरोवर यहाँ अमृत कुंड को कहा गया है। मान सरोवर है भगवान शंकर का सर्वश्रेष्ठ स्थान, ये नेपाल में है। तो यहाँ क्या बताया है कि मान सरोवर अमृत कुंड के समान है, उसमें अगर इंसान स्नान कर लेता है तो अपने सारे पापों से मुक्ति पा लेता है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, इंसान उसमें स्नान करके हंस की तरह 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 की क्रियाएं करने लगता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए, ये इंसान से कह रहे हैं कबीर दास जी कि वहाँ जो मुक्ता फल मुक्त में जो तुम्हें फल मिल रहा है उसको तुम हंस की तरह क्यों नहीं चुगते हो। वहाँ वो मोती चुगता है हंस, और तुम वहाँ से अपने अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। अब उड़ी अनंत न जाए, और इंसान अगर मान सरोवर पहुंच जाता है, उस कुंड में स्नान कर लेता है, तो वो उड़कर और कहीं नहीं जाता, क्योंकि उसका मन वहां रम जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का यही फल मिलता है, तो उसे अच्छे कार्य करने चाहिए, तब भी वो एक सफल इंसान है। वो ये नहीं कहते कि ईश्वर भक्ति में तुम मूर्तियों की पूजा करो, वो कहते हैं कि ईश्वर आत्मा और परमात्मा सब एक हैं, वो आपके हृदय में निवास करते हैं। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को अपने मन में ही खोजोगे तो वो तुम्हें तुरंत मिलोगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेम करने वाले इंसानों को ढूंढने निकला हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन सच्चा जो प्रेम करने वाला इंसान है वो मुझे आज तक कहीं नहीं मिला है, मैं उसकी खोज में निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर एक प्रेम करने वाले को सच्चा दूसरा प्रेमी मिल जाता है तो उसके बराबर वो अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझता। और सब विष अमृत होए, अगर कोई बुराई है समाज में, बुराई है किसी इंसान पे, बुराई है लेकिन वो प्रेम करने वाला है, तो उसकी सारी जो विष है, जो बुराइयां हैं, वो सारी अमृत हो जाएंगी, अमृत में बदल जाएंगी।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वाद रूप संसार है भूगन देशक मार। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान के हाथी पर चढ़िए, हाथी हस्ती कहा है यहाँ हाथी को, कि ज्ञान का जो हाथी है वो जाता है सहज दुलीचा डार, जब उस पर गलीचा डाला जाता है उसको यहाँ दुलीचा बोला गया है। हाथी पर जब इंसान बैठता है तो एक कालीन बिछाया जाता है, उसके लिए कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना है तो इतनी ऊंचाई पर जाइए कि कोई बुराई करने वाला उसे ना मिले, और वहाँ सहज ही सरल भाव से एक कालीन बिछाइए, आप उस पर आराम से बैठिए। स्वान रूप संसार है, स्वान यहाँ कुत्ते को कहा गया है और कुत्ते की उपमा यहाँ संसार से दी गई है कि स्वान रूप संसार है भूकन देशक मार। जब हाथी जाता है तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, तुम एक मदमस्त हाथी की तरह चलिए, उसके पीछे चाहे कितने ही कुत्ते भौंके तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सम्मान। पखा पखी पक्ष और विपक्ष, ये कह रहे कबीरदास जी कि पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग यहाँ भुला हुआ है, कोई अपने पक्ष वाले से प्रेम करता है, कोई विपक्ष वालों को दोषी बताता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में आप मत पड़िए, और इसी के कारण आप जग को भूले हुए हो। अगर आप पक्ष और विपक्ष को छोड़ दोगे तो सारा संसार आपको मित्र लगेगा। निरपक होए के हरि भजे, आप निष्पक्ष होकर आप ये मत सोचिए कि मैं हिंदू हूँ तो राम भगवान की पूजा करूँगा, मुसलमान हूँ तो खुदा की स्तुति करूँगा। तो आप निष्पक्ष होकर सिर्फ प्रभु का गुणगान कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए, सोई संत सुजान, तभी आप एक सच्चे संत कहलाओगे। हिंदू हुआ राम कही मुसलमान खुदा है, कह कबीर सो जीविता जो गुरु के निकट न जाए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम बजते बजते मर चुका है और मुसलमान खुदा खुदा कहते इस संसार को छोड़ चुका है। तो हिंदू हुआ राम कही, हिंदू राम कहते कहते मर चुका है, मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए, कह कबीर सो जीविता जो गुरु के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी नजरों में वही इंसान सर्वश्रेष्ठ है, वही जिंदा इंसान है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, ना तो राम के और ना खुदा के, वो सिर्फ आत्मा परमात्मा को मिलाते हैं कि आत्मा आपके हृदय में निवास करती है, आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, आपको वहाँ परमात्मा मिलेंगे, उनका गुणगान कीजिए, हिंदू और मुसलमान के चक्कर में मत पड़िए। काबा फिरी काशी भया राम ही भया गई, मोट चून में रा भया बैठी कबीरा जी। अब यहाँ देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, काबा फिरी काशी भया, इंसान काबा गया, काबा क्या होता है, मुसलमानों का तीर्थ स्थान है और काशी है हिंदुओं का, तो काबा जहाँ ये हज के लिए जाते हैं उस जगह को कहा गया है, इंसान कहीं काबा में घूम रहा है, कहीं काशी में घूम रहा है परमात्मा को ढूंढने के लिए। राम ही भया रहीम, और हिंदू है वो राम को ढूंढ रहे हैं, मुसलमान रहीम को ढूंढ रहे हैं। मोट चून में रा भया, मोटा चून जैसे बहुत सारे अनाज ले लिए हमने, मोटे साबुत अनाज जैसे गेहूं चना जौ चावल सब चीज, उनको हम एक साथ मिक्स करके मिला के पिसवा लेते हैं तो वह एक मैदा के समान हो जाता है। तो बैठी कबीरा जी, तो ये कबीरदास जी कहते हैं कि तुम राम को काबा में भी ढूंढ सकते हो और काशी में भी ढूंढ सकते हो, हर जगह परमात्मा समान है, इसमें तुम भेदभाव नहीं कर सकते। अगर तुम काबा जाओगे तो वहां तुम्हें राम भी मिलेंगे, काशी जाओगे तो वहां तुम्हें खुदा भी मिलेंगे, तुम इन चक्करों में मत पड़ो।
तुम एक बीच का माध्यम अपनाओ कि परमात्मा है और आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। और यहाँ सारे अनाजों को मिक्स करके यहाँ बताया है कि राम रहीम शंकर भगवान सारे भगवान सारे एक जैसे हैं, उनको अगर तुम मिक्स करके मिलाकर देखोगे तो वो एक परमात्मा का रूप तुम्हें दिखाई देगा, इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं। और वहाँ बैठ के आराम से इनका ध्यान करो, इनकी हृदय से पूजा करो। ऊंचे कुल क्या जन्म लिया जी करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से इंसान ऊंचा नहीं कहलाता है, इंसान ऊंचा तभी कहलाता है जब उसके कर्म ऊंचे हो, उसने कोई ऐसा महान कार्य किया हो। तो ऊंचे कुल क्या जन्म लिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हारे कार्य गंदे हैं, तुमने कोई दुराचार किया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो तुम्हारा ऊंचे जन्म में लेने का कोई सार्थक सिद्ध नहीं होता, तुम्हारा जन्म व्यर्थ गया। जे करनी ऊंची न हो, अगर अच्छे कार्य करोगे तो अगर तुम नीच जात में हो तब भी तुम्हें ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण स्वर्ण के कलश में, सुवर्ण यहाँ स्वर्ण को कहा गया है, कलश सुरा भरा, सुरा यहाँ शराब को बोला गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सोने के कलश में अगर शराब भरी जाए तो साधु निंदा सोए, उसकी हर कोई निंदा करता है, उसकी बुराई करता है, चाहे वो शराब चाहे सोने के कलश में हो, क्योंकि वो एक बुराई का प्रतीक है। इस तरह से जैसे यहाँ जन्म लेने की उदाहरण दिया है कि ऊंची कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, जैसे सोने के कलश में भरने से शराब की कोई अच्छाई नहीं होगी, हमेशा उसकी बुराई ही होगी। इस तरह से अच्छे कार्य कीजिए तभी आप महान संत कहलाओगे और सभी आपकी प्रशंसा तभी करेंगे, नहीं तो सोने के कलश में शराब की भी बुराई होती है, उसकी कोई भलाई नहीं होती है। बच्चों मैं मान रही हूँ कि आपको शायद ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आज हम इसको यहीं खत्म करते हैं। अगले संबंध के लिए हम दूसरी बार आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।